क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। धर्मशाला के मैदान में अब से कुछ देर बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सबसे जरूरी अहम मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अब तक सारे मैच जीती हैं। लिहाजा जो आज जीतेगा वो टेबल को टॉप करेगा। लेकिन सुबह सुबह धर्मशाला से भारत के लिए जो खबर आई है वो हैरानी भरी है, डराने वाली है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के पास 11 फिट खिलाड़ी नहीं बचे हैं। टीम चुनना तक मुश्किल हो गया। हार्दिक पांड्या के बाद सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मोहम्मद शमी तक चोटिल हो गए हैं। लिहाजा अंतिम 11 कैसे बनाए अब इस पर जोर है। लिहाजा खबर यह है कि रवि अश्विन बतौर बल्लेबाज यहाँ पर खेलने जा रहे हैं। तो क्या है धर्मशाला से अपडेट, क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में टीम को लेकर अपनी बात जरूर कहें। तो सीधे सीधे धर्मशाला में खेलने वाली भारत की प्लेइंग 11 पर आते हैं, जिस पर संकट खड़ा हो गया। हालांकि टॉप ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, रोहित शर्मा शुभमन गिल ही पारी की शुरुआत करेंगे, दोनों अच्छे फॉर्म में। और गिल अगर इस मैच में 18 रन बना लेते हैं तो वनडे इतिहास में सबसे कम यानी कि 38 मैच में 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे और 40 मैच वाला हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर और पांचवें नंबर पर केएल राहुल आएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है। समस्या इसके बाद खड़ी हो रही है। छठे नंबर पर खेलने वाले हार्दिक पांड्या पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, लिहाजा अब यहां धर्मशाला वो आए नहीं है, सीधे अगले मैच के लिए लखनऊ पहुंचेंगे। तो अब संभावना यहां पर ये थी कि हार्दिक की जगह पर सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन बतौर बल्लेबाज खेलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि धर्मशाला में शनिवार को ही प्रैक्टिस में पहले सूर्य कुमार यादव चोटिल हो गए। के दौरान एक बॉल उनकी कलाई पर लगी और तुरंत सूर्य ने प्रैक्टिस सेशन छोड़ दिया और इसी प्रैक्टिस में ईशान किशन भी चोटिल हो गए। लिहाजा अब टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी यहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि दो ही एक्स्ट्रा बल्लेबाज टीम में मौजूद थे। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि किशन और सूर्या में जिसकी चोट कम होगी, जो ज्यादा फिट होगा उसको खिलाने का रिस्क लिया जाएगा, लेकिन अब दिक्कत बढ़ गई है। लिहाजा खबर ये भी आ रही कि दोनों ही टीम से बाहर हो जाएंगे, यानी कि सूर्या और किशन दोनों नहीं खेले तो ऐसी कंडीशन में रवि अश्विन को छठे नंबर पर प्रमोट करने की खबर है। जी हाँ, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी मैच से पहले कहा था कि अश्विन टीम में खेल सकते हैं और वो भी बतौर बल्लेबाज। छठे नंबर पर रवि अश्विन खेलने आएंगे, हालांकि कुछ ओवर गेंदबाजी जरूर करेंगे क्योंकि धर्मशाला के पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए अश्विन बतौर बल्लेबाज ही माने जाएंगे। सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा ही आएंगे, उनकी जगह पक्की है, और जड्डू बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे और तीसरे स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव होंगे। अब हालात ये हैं कि धर्मशाला में पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है, उन्हें मदद करने वाली है, लेकिन मजबूरी ये है कि तीन स्पिनर्स यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं क्योंकि बाकी खिलाड़ी बचे ही नहीं है। तेज गेंदबाजों में भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज टीम में बने हुए हैं और शमी को खिलाने की भी बात आ रही थी, क्योंकि पिच और कंडीशन यहाँ शमी के मुताबिक थी, लेकिन शमी भी चोटिल हो गए हैं। नेट्स पर शमी को कुछ दिक्कत हुई जिसके बाद शमी ने नेट सेशन छोड़ दिया, यानी कि मोहम्मद शमी भी नहीं खेलेंगे और शार्दुल ठाकुर ही यहाँ पर खेलेंगे। तो कुल मिलाकर तीन तेज गेंदबाज, तीन स्पिनर्स यहाँ पर खेलेंगे और विशुद्ध बल्लेबाज सिर्फ पांच ही होंगे। रवि अश्विन बतौर बल्लेबाज खेलेंगे क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई संभावना एक्स्ट्रा यहाँ पर बननी रही है। तो आपका इस टीम पर, इस मजबूरी पर, रोहित शर्मा के हालात पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, और क्या ऐसे हालातों में भी टीम इंडिया आज का मैच जीत पाएगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तोड़फोड़ होती है ना ड्रेसिंग रूम में, इससे पाकिस्तान को बचना। ये रमीज राजा हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, और अभी क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान के लिए कमेंट्री कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से करारी हार के बाद रमीज राजा ने बयान दिया है कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, डगआउट में तोड़फोड़ हुई है। जी हाँ, वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान की एक बार फिर से हार हुई, बेहद शर्मनाक हार हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन के भारी भरकम अंतर से पाकिस्तान को हरा दिया। पूरे मैच में पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं। अब इस मैच में हार तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की गलह गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जी हाँ, जो लड़ाई ड्रेसिंग रूम की थी वो मैदान तक आ गई, खुलकर सामने आ गई। खुद रमीज राजा ने कह दिया कि इस बार डगआउट में एक बार फिर तोड़फोड़ हुई और ये तोड़फोड़ ठीक नहीं है। बाबर आजम के पास कोई गया ही नहीं, बाबर को मैदान में अकेला छोड़ दिया गया। बाबर की तरफ लोगों ने, या कहें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पीठ फेर ली। बाबर आजम बोलता रहा, बाकी खिलाड़ी वहां से उठकर चले गए। जबरदस्त बवाल मैदान में हुआ, ड्रेसिंग रूम में खूब खतरनाक हंगामा हुआ। तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद क्या क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, सब आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
तो भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में खूब हंगामा हुआ था, झगड़ा हुआ था, तोड़फोड़ भी, मारपीट तक भी, वो हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी तो इस बार बवाल और ज्यादा बढ़ गया, खिलाड़ियों की बगावत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इस बार ड्रेसिंग रूम से निकलकर मैदान में झगड़ा आ गया, खुलकर सामने आ गई कलह, वो आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारी भरकम टारगेट पाकिस्तान को दिया था और जब 46वें ओवर में पाकिस्तानी टीम ऑल आउट हो गई, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने डगआउट से बाहर निकले और मैदान की तरफ जाने लगे। अब इस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ ने पहले आपस में हाथ मिलाए, लेकिन यहाँ पर कप्तान बाबर आजम कहीं दिखे नहीं। यही नहीं, आगे देखिए। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से मिलने के लिए मैदान में पहुंची, लेकिन हैरानी सबसे ज्यादा यहीं पर हुई। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हुआ क्या। सबसे आगे कप्तान होता है, यानी कि बाबर आजम को यहाँ पर होना चाहिए था और बाद में उसके बाद पूरी टीम होती, लेकिन यहाँ बाबर कहीं नजर ही नहीं आए। सबसे आगे हसन अली नजर आ रहे थे और वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मिल रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम उनके पीछे पीछे आ रही थी। बाबर आजम को देखा तो वो दूर कहीं नजर आए और बाबर आजम अकेले खड़े थे, अकेले घूम रहे थे। बाबर आजम के पास कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी गया ही नहीं, किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बाबर से हाथ नहीं मिलाया। सिर्फ इमाम उल हक बाबर आजम के पास गए और बाबर से हाथ भी मिलाए, क्योंकि इमाम बाबर के दोस्त भी है और फिलहाल पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के भतीजे भी है। लिहाजा बाबर और इमाम की आपस में दोस्ती है और एक दूसरे के लिए आपस में संबंध भी है, दोनों एक दूसरे से मिले, लेकिन बाकी कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम से मिला ही नहीं। और ये सब कुछ मैदान में हो रहा था, बंद कमरे में नहीं। जी हाँ, मैदान में पाकिस्तानी टीम की लड़ाई कलह सबके सामने दिख रही थी। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में डगआउट में फिर वही हुआ जो भारत के खिलाफ अहमदाबाद में हार के बाद हुआ था, खूब हंगामा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा ने खुद कहा कि ये तोड़फोड़ जो होती है इससे बचना है। रमीज राजा के साफ शब्द थे कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो तोड़फोड़ होती है वो नहीं होनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, मगर ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। पहले भारत से हार के बाद और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद तो बवाल मच गया ड्रेसिंग रूम में। पाकिस्तान के कप्तान के रूप में बाबर आजम ने बोलना शुरू किया, मगर किसी भी खिलाड़ी ने बाबर की बात को सुनाई नहीं, तवज्जो नहीं दी। बाबर आजम बोलते रहे, बाकी खिलाड़ी अपना सामान पैक करते रहे और फाइनली अंत में बाबर आजम के सामने ही शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान जैसे कुछ खिलाड़ी वहां से उठकर भी चले गए। बाबर ना तो कप्तानी में कुछ कर पा रहे और ना ही अपना खेल कुछ दिखा पा रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं, इसीलिए बाकी खिलाड़ी बाबर आजम को अब सम्मान देना भी बंद कर चुके हैं और बाकी खिलाड़ियों की बगावत यहाँ पर साफ साफ दिखने लगी है। अब खासा बवाल यहाँ हुआ, हंगामा हुआ और कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर को बीच में आना पड़ा, खिलाड़ियों को समझा कर वापस बैठाया गया। अब कहानी है कि पाकिस्तानी टीम में दो फाड़ हो चुके हैं, खुलकर टीम दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है और अगले सारे के सारे मैच ये टीम हार जाए, पाकिस्तानी टीम ध्वस्त हो जाए तो हैरानी होगी नहीं, क्योंकि टीम एकजुट है ही नहीं और पूरी तरह से अपना अपना खेल चल रहा है। जो आगे बढ़ गया वो अपने लिए कर रहा है, जो पीछे रह गया दूसरे को गालियां दे रहा है, जो खुलकर यहां सामने भी आ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर, पाकिस्तानी टीम में मची इस तोड़फोड़ पर, बाबर आजम की हरकतों पर और खास तौर पर पाकिस्तान टीम के इस झगड़े पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।